देनी चाहिए है की होएगा। देखो ना जी की होएगा, ये सारा तुहाडा टॉपिक हैगा सैक्स ते, भी सैक्सुअल पावर ने उन्होंने कमजोर किया, एक इशू आ गया औरत भी सी हुंदे ते। तुसीं इंज करो ना थोड़ा जिहा एजुकेशन का म्यार बनाओ, बीए तो बाद सैक्स की एजुकेशन ते तरबियत दिओ बच्चों, भी ये सैक्स जिहड़ा अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सिखाएं बच्चों को। ये तरबियत करें यूनिक, कम अज कम बीए लैवल तक तो कॉन्फिडेंस होवे ना कि एक औरत नूं ते एक बंदे नूं पता लग जाए भी सैक्स करन दा की तरीका, किवें असीं किवें पढ़ना की है। जे असीं पब्लिक प्लेस ते करांगे ते लित्तर पैणगे, साडी मूवी बन जाएगी, इस वास्ते ये शैवां नूं क्लीयर करन। हम जब हम रोटी आगे किसी के रखते हैं ना, तो रोटी क्या होती है जो है ना वो ढक के हम रखते हैं, वो उसके अंदर हम बर्तन में रखे ना ढक के रखते हैं। अब वो रोटी कैसी है टेस्ट करने से ही पता चलता है ना। अब वो जाहिर सी बात है वो पर्दे के अंदर थी, लेकिन उसकी हवानात जो है ना वो नहीं समझ सके ना कोई भी। उसने बस जिस बंदे ने जज किया उसने बाहर से जज किया, हजाब करने से, हजाब करने से ये देखे ना, हजाब करने से अगर वो कोई अच्छी रिफ्लेक्ट है, हमारे इस्लाम का ये दीन है हजाब करना, उसने हजाब को देख के बुरा कह दिया, उसके अंदर को नहीं देखा उसने। नहीं देखे, मेरी बात सुने। देखिए अब एक लड़की है उसने हिजाब किया, वह वो प्रॉपरली अबाय में ढकी हुई है, ठीक है। हम बाहरी तौर पर कह देते हैं वाह वाह कितनी इस्लामिक है और कितनी नेक लड़की है, क्या पता वो कहाँ से आई हो, क्या पता वो क्या करती हो भाई। अब एक लड़की है जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई, आप देखे कहेंगे आए हाय ऐसा तो बुरा तो कोई होएगा ही नहीं, अब पता नहीं कितों कितों घूम के, वो चाहे तालीमी इदारे से आई हो। ये देखे ना ये जो जजमेंट हम करते थे अब ये कहाँ जाएगी, मैं वो सवाल है। वो जाहिर सी बात है ये सब आज यक जुबान हो गए, यही उन्होंने बोला कि ये सेक्स क्राइम हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहा है, इसको सेक्स क्राइम बढ़ रहा है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में तो ये एक नॉर्मल समझा जाता है इस चीज़ को, और इस चीज़ को हम इजी ले लिया इस वजह से ये होता है। और साहब जो ना विचारिया की लीक करने वाला कोई बदतमीज इंसान से जिन्हें ड्रोन पर किया है, उन्हें दोवों का भावें 2 साल का फेर हो भावें 4 साल का हो, और बेचारे छुपा छुपी कर रहे थे, नहीं टाइम लगा। आप वहाँ तालीम हासिल करने जा रहे, आप वहाँ ये हरकतें नहीं करने जा रहे, मैं इस वाक्य को कभी भी सही नहीं बोलूंगी क्योंकि ये गलत है। अच्छा तुम हम मीडिया वाले है जे, ठीक है, मेरे ना इतने ज्यादती हो जाती कोई मसला बन जाता, तुम्हारा काम है वेखना विखाना है ना, तो जरा आपने जिस एजुकेशन का मुझे कहा है अगर ऐसी एजुकेशन पढ़ाई गई आप अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी भेजेंगे। देखो जी मेरी बच्ची बीए या एफए कर लेंदी है, उन्हें समझ आती 18 साल बच्ची ना इस्लाम दे विच ना 18 साल बाद उनके को रजामंदी ना पूछना चाहिए। मेरी बच्ची MBBS नहीं करती, 936 इशू ने इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो लेना देना डॉक्टरी इन सोसाइटी दियाँ फील्ड, वह कहती मैं सैक्स तो करनी, जो उन्होंने सैक्स की अवेयरनैस आ जाए तो मेरी इज्जत महफूज हो ना जाएगी, होएगी कि नहीं होएगी कि नहीं। ठीक है जी, अब गांव देहात में आप चली जाए ना तो वहाँ पे माँ बाप जो है ना वो 8th क्लास से आगे बच्ची को जाने नहीं देते, वो पता क्या घर दे काम काज से कुड़िए गांव जाना, तू ऐसे ही कहते घर जाके अपने 9 सास नु की जवाब देंगी कि माँ बाप ने कोई जवाब नहीं देता तेन कुछ नहीं सिखाया। लेकिन वो इस बातचीत को ये उनको देखना चाहिए कि भाई हमारी बच्ची है वो अपने कदमों पर खुद चले, कल को शौहर के हालात पाकिस्तान में जो है ना 99% है ना जो किसी के घर के हालात सही नहीं है। आजकल आप सोशल मीडिया पे वर्किंग पे देख लें कि जितने भी घर बचे हुए ना उनके जितने भी किसी की बीवी शराब पीता है, हस्बैंड कोई चरस पीता है, बीवी को मारता है निकालता है, ताकि घर से वो निकले, अगर घर से वो निकले तो अपने कदमों से निकले। टारगेट करने वालों को तो एक बात छोटी सी क्लू मिलना चाहिए, वो उस पर अभी कि कुछ होगा, बहुत कुछ होगा उस पर, अभी बहुत बातें बनेंगी और जो इस पे नेगेटिव सोच रखने वाले हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज सुने हमारे दीन में भी है कि औरत और मर्द बराबर हैं, सही है, लेकिन ये जो छोटे लोग सोच है ना ये लोगों की खुद की सोच है, हमारे हजूर पाक ने भी यही बोला कि औरत और मर्द बराबर है, सही है। अब आए में आप जॉब पे भी जा सकते हो, हर काम कर सकते हो, लेकिन इधर हमारे यहाँ टारगेट इसलिए किया जाता है। देखो ना जी लड़के पाकिस्तान च हीरो ने, ये जदों पैदा होंगे ना सब तो पहले इन्हों के नाल ना एक हो जाता साडा बच्चा पंजाबी च, और साडा मासूम वह ज़्यादा सारा कुछ करके गलत भी आ जाए ना तो पिछे मगर अब्बा भी सपोर्ट करेगा, अम्मी भी कहेगा हाए मेरा सत्तां लवाइया का एको किहड़े पासे फस गया है,
उनकी सपोर्ट मर्द की सपोर्ट साड़ी सोसाइटी च बहुत ज़्यादा है। रूरल एरिया च कहिंदे सिरां दा ताज हैगे ने बंदे। इस सोसाइटी देखो ना पाकिस्तान दी तारीख ते थोड़ा जिहा जार इंटरव्यू लम्मा हो जाना वा। 1857 तो लग के ना अंग्रेज़ों तो 100 साल तो बाद 75 साल ये है। साडे ना जिन्ने हीरो आए ने ना उन्होंने वड़ा चढ़ा के मीडिया सोसाइटी हर शह बक्कल सिंह ये मोहम्मद अली जना और अलामा इकबाल है इस तरीके हीरोइज़म साडे अमरदा करता है। कोई औरत जिहड़ी हैगी है कदे औरत दा किसे किताब च पढ़ाया भी एक औरत फातिमा जना कैद आजम की भैन सीगी उन्हें सैक्रीफाइस करता आपकी शादी नहीं कराई ए वाला इशू उन्हें कदे आया। मैडम रियाना बेगम लियाकत अली खान दी उन्दी की सी पाकिस्तान च का साडा मीडिया नूं चाहिए औरत ने जिहड़े किरदार अदा किए ने ना वो भी हाईलाइट करन। ये स्कैन मशीने हैं अब आए में तो ये वो स्कैन कर लेते हैं। हाँ ये स्कैन करते हैं पूरा। ये स्कैन मशीनें हैं, मैं दर्ज कर रही हूँ। ये इन लोगों से तो बचना, बाकी बात ये है कि अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, एक इशू काफ़ी ज़्यादा उठाया जा रहा है हर जगह सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस खबर को चलाया जा रहा है। पाकिस्तान का एक इलाका है ओकाड़ा, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर तीन लड़कियां, स्पेसिफिकली अगर मैं एक लड़की की बात करूं, वैसे तो तीनों ही अबाये में लिपटी हुई थी, लेकिन उनमें से एक लड़की एक लड़के के साथ नाजेबा हरकत करती हुई ओकाड़ा यूनिवर्सिटी की छत पर पाई गई है। ड्रोन की वीडियो जो है वो पूरी की पूरी वायरल हुई है, किसी ने कैप्चर की है और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंडिंग में है। इससे पहले मैंने काफ़ी से प्रोग्राम किए कि कुछ रॉन्ग नंबर मौलवीज़ जो हैं, कुछ रॉन्ग नंबर मुल्लाज जो हैं वो विमेन एजुकेशन को काफ़ी टारगेट करते हैं, एजुकेशन को काफ़ी टारगेट करते हैं, कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी आई अपनी तीनों स्कूलों हटा लो थे डांस कर दी पई है, विमेन एजुकेशन के ख़िलाफ़ होते हैं। तो अब जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बाद पाकिस्तान में एजुकेशन को कितना टारगेट किया जाएगा, स्पेसिफिकली विमेन एजुकेशन को कितना टारगेट किया जाएगा, स्टूडेंट्स तबके को कितना टारगेट किया जाएगा, जो चंद लोगों ने, जो चंद बच्चों ने, जो चंद स्टूडेंट्स ने गलत हरकतें की हैं उनके बाद जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, कॉलेजेस जाना चाहते हैं, तालीम हासिल करना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर या बड़ी बड़ी पोस्ट पर आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन पर कितना फ़र्क आएगा, उनका फ्यूचर कैसे स्पॉइल होगा। आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, इस पूरे वाक्य के बारे में रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सोसाइटी है ना इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा अब मोबाइल जब ये आई है मोबाइल वगैरह उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आज़ादी हो गई है। और दूसरा ये है कि उस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा किरदार है। हम उसी रोड पर से आते हैं, मैं अरब वाला से आता हूँ, रास्ते में साईवाल आता है, फिर काड़ा यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ पे जो स्टूडेंट फेडरेशन है, स्टूडेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा ना बदमाश टाइप हो चुके हैं। अच्छा, गुंडा मवाली करते हैं, गुंडा मवाली। पिछली दफ़ा हम सफ़र कर रहे थे, जुमे वाले दिन उन्होंने एक बस को रोक कर तकरीबन 1.5 घंटा इसी इशू पर हमारा भी टाइम वेस्ट किया कि ये जो है ना वेस्ट, इसलिए हमें ना साईवाल में आपने पिक क्यों नहीं किया, उठा यूनिवर्सिटी के। इसलिए हमारी जो मैनेजमेंट है ना उसको जो है सोचना चाहिए। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है, चेयरमैन है या जो भी वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, उन सब को अपने अदारे की, जैसे देखो ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाफज आसम मुनीर के पास है, इसी तरह उस यूनिवर्सिटी की भी सिक्योरिटी जो है उसके चेयरमैन के पास है। कम अज़ कम वो इन इशू को तो देख सके ना, जो सोसाइटी में बाइस शर्म है इशू उसको वो मैनेज कर सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा, आपने इससे पहले बोला है मोबाइल ने आज़ादी दे दी, देखें मोबाइल बनाया गया है आपके इस्तेमाल के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उसको आपने इस्तेमाल करना है। मोबाइल ने नहीं आपको कहना आओ आओ मुझे टच करो या मुझे इस्तेमाल करो, ठीक है, तो उसको आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है, गलत वे में इस्तेमाल करना है वो आप पर है, ठीक है, इंसान पर है। अब मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि जो ओकाड़ा यूनिवर्सिटी वाली वीडियो लीक हो रही है, इससे जो मौलवी मुल्ला कहते हैं कि औरतों को तालीम ना दिलवाओ, अब विमेन एजुकेशन कितनी टारगेट होगी इससे?
ये देखो ना, विमेन एजुकेशन बहुत अच्छी है, करनी चाहिए। जब माँ पढ़ जाएगी ना तो औलाद जो है होगी वो भी पढ़ी लिखी होगी, उसमें जो होगा औलाद जो होगी वो पढ़ी होगी, माँ पढ़ी होगी तो औलाद भी पढ़ी हुई होगी, वो सोसाइटी के लिए बाइस इफ्तखार होंगे लोग। अगर माँ ही ना पढ़ी होगी तो बच्चे इसी तरह होंगे। ये जो इशू आया ना, ये कम से कम कोई बहुत ज़्यादा आज़ादी या डिप्रेशन में उस लड़की और लड़के का, देखो ना किसी का इंटरफेयर है, उसको उजागर करना, ये तो अल्लाह ताला भी कहता है कि बुराई छुपानी चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने ड्रोन पर उसे इशू किया है तो वो सबसे ज़्यादा कैफर करदार पहुँचाना चाहिए। देखो वो लोग, मेरी नज़र में तो ये हरकत ही वाहियात थी, ये हरकत करनी बनती नहीं थी। आप तालीमी इदारे में जा रहे हो ना, आपका काम है पढ़ना, आपकी वजह से आप ना जाने कितने ही बच्चों के फ्यूचर स्पॉइल होंगे। आपको पता है कितने लोगों ने अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में से उठा लिया होगा, और कितने ही फैमिलीज ऐसी होंगी जो इस डर से अपने बच्चों को नहीं दाखिल करवाएंगे अब तालीमी इदारों में। और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मौलवियों की वीडियोस भी आई थी कि आप अपनी तीनों स्कूलों हटा लो, उत्थे डांस कर दी पई है, फहाशी फैलांदी पई है, और गाली गलौच भी बीच में की थी। तो अब ऐसे लोग कितने एक्टिव हो जाएंगे, इनकी वजह से विमेन एजुकेशन या जो तालीम का तबका है वो कितना टारगेट होगा? सबसे पहले जो हमारे वजीर तालीम है ना, उनको इस एजुकेशन सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। 365 दिन हैं साल के, उसमें से हमारे जो टीचर साहिबान हैं वो 160 दिन तो आते ही नहीं। ठीक है, 3 माह की छुट्टी है, समर वेकेशन है, ये वो, और उनकी सैलरी देखें तो एवरेज हर टीचर, हर हमारा जो उस्ताद है 50,000 से ऊपर ले रहा है। और जब वो मैनेजमेंट पढ़ाने जाता है तो वो क्या अपने यूनिवर्सिटी को अच्छे तरीके से डील भी नहीं कर सकता? देखो ना, हम सरकारी ऑफिसर जो हैं, हम टैक्स देते हैं वो लेते हैं। जिस उकाड़ा यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है या चेयरमैन है, उसका ये 100% इशू है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी का 100% रिज़ल्ट दे, उसमें जो वाहियात या वो उस यूनिवर्सिटी का आर्मी चीफ है, वज़ीर आज़म है, उसे चाहिए कि वो उस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी का, चांसलर उस नाजेबा हरकत या नजेबा जो भी वो वहाँ से लीकेज हो रही हैं उसकी इंक्वायरी कराए, उसके मुजमों को कैफे करदार तक पहुँचाए, ताकि हमारी सोसाइटी इस बुरान से, इस कैफियत से जो दो चार है उससे बाहर आए। सवाल आप समझे नहीं, मेरा सवाल ये था कि इसके बाद एजुकेशन का जो सेक्टर है वो कितना टारगेट होगा? पहले ही लिटरेसी रेट औरत का क्या है, 52% औरत है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती, उसका लिटरेसी रेट उठाएँ, मर के 17-18% औरतें पढ़ी होंगी। हम तो पहले ही इसी भूचाल में हैं कि औरतें पढ़ नहीं रही, अनएजुकेट है, अर्बन एरियाज में तो फिर भी है, रूरल एरियाज में तो मैट्रिक मिडल, ये इशू जो है सोचने के लायक है। और जो हमारी बड़ी मैनेजमेंट है, बड़े लोग हैं जो सुकून से एसीयों में बैठते हैं और ये सोचते हैं, थिंक टैंक है, वो ये भी नहीं सोच सकते कि हम एक यूनिवर्सिटी को कैसे चला सकते हैं, ये तो उनका इशू है। इसलिए उनको चाहिए कि ये जो आपने बताया कि 17-18% जो औरतें हैं वो थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, आपने बोला ठीक है, ये अब फिर रेशियो और गिर जाएगी, परसेंटेज और गिर जाएगी। देखो जी, अर्बन एरिया में ना पढ़े एशिया, रूरल एरियाज में पहले ही मैट्रिक से आगे नहीं जाने देते, अब इंशाल्लाह जाने देते। इसी वजह से औरत की जो तख्लीक है बहुत अच्छी है, लेकिन इसको पढ़ाना भी तो चाहिए ना, है बात से फिर गए ना आप, कैमरे में नजर आ रहा है, उसको पढ़ाना भी तो चाहिए ना, एजुकेट तो करना चाहिए। अच्छा। औरत पढ़ी लिखी होगी ना तो शाम को आपसे बदतमीजी नहीं होगी, आप जाएंगे अच्छा। वो उसे कोई तो सरअंदाज, अगर आप उसे बदतमीजी करेंगे तो फिर आप भी नहीं कर पाएंगे ना, अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो। एजुकेशन देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए, तो हमारा इंशाल्लाह बहुत सारे इशू खत्म हो जाएंगे। अच्छा नहीं, मेरा सवाल आप फिर भी नहीं समझे हो, मेरा सवाल ये था अब एजुकेशन कितनी टारगेट होगी, कैसे कैसे लोग उठकर एजुकेशन को टारगेट करें? ओवरऑल पाकिस्तान का जो है ना रेशो, मेरी थोड़ी जो न्यूट्रल नॉलेज के मुताबिक, अगर 26 करोड़ आबादी है ना, उसमें से 10 करोड़ बच्चे निकाल दें, 12 करोड़ से 6 करोड़
मर्द लगा दें, 5,70,00,000 औरतें निकाल दें, ठीक है। वो 5,70,00,000 से पहले ही 1 करोड़ जा रही होगी, वो 1 करोड़ से अब इंशाल्लाह हम 50,00,000 पर आ जाएंगे इंशाल्लाह इस इशू से, इस इशू से। और इससे बॉयज़ के जाहिर है क्योंकि उसमें एक मर्द भी तो शामिल था ना, तो क्या उनकी एजुकेशन भी टारगेट होगी या नहीं होगी? इंशाल्लाह इस, आपने मेरा इंशाल्लाह का जो लफज है ना वो क्या, मैं इंशाल्लाह इस वजह से कहा है कि मैं उसका हामी नहीं हूँ, मैं इस वजह से कहा कि हमारी मैनेजमेंट की जो सोच है ना वो हर काम में ही इंशाल्लाह वाली अल्लाह के सपोर्ट दे, अल्लाह खैर करेगा हो जाएगा इस बात। वो ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं बात कर रही हूँ क्योंकि इस इंसिडेंट में लड़के और लड़की दोनों शामिल थे, तो बॉयज एजुकेशन भी टारगेट होगी या नहीं? देखो ना जी, कितनी और तरक्की कर गया वर्ल्ड, थोड़ी सी अगर बैचुलर बीए कर जाती है, एक लड़की बीए कर जाती है, वो पढ़ी लिखी है, उसकी वो एज पूरी हो गई, सलाम की कदगन ख़त्म हो गई, उसे इतने इशू क्यों बना लेते हैं? वो अपनी मर्जी से अगर किसी से अफेयर भी चलाना चाहती है तो फिर सब्र करें। तो सोसाइटी किसी को पसंद आ गया, आप ये बात कर रहे हो? हाँ। अच्छा, तो उसको मान ले, शादी करवा दें आप ये कह रहे हैं? हाँ, करवा दें। भाई आप मेरा सवाल नहीं समझे, सवाल आप समझा दें। मैं कह रही हूँ देखो, आपने कहा ना औरतों की एजुकेशन कम करवाएगी ये सोसाइटी, तो इस वाक्य के अंदर तो एक लड़का भी शामिल था ना, क्या लड़कों की तालीम पर फर्क पड़ेगा इसमें? देखो ना जी, लड़के पाकिस्तान के हीरो ने, ये जो पैदा होंगे ना सब तो पहले इन्होंने नाल ना एक हो जाता है साडा बच्चा पंजाबी च, और साडा मासूम, वो ज़्यादा सारा कुछ करके गलत भी आ जाए ना तो पिछे मगर अब्बा भी सपोर्ट करेगा, अम्मी भी कहेगा हाय मेरा सत्तां लवाइयां दा इक्को किहड़े पासे फस गया है। उनकी सपोर्ट, मर्द की सपोर्ट साड़ी सोसाइटी च बहुत ज़्यादा है, रूलर एरिया च कहिंदे सिरां दा ताज हैगे ने बंदे हैं। पहली दफ़ा आपने थोड़ा उल्ट बोला था कि सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ आपका? कैसे किदों किदों सॉफ्टवेयर? आपने जब पिछले दफ़ा इंटरव्यू मुझे दिया था, मुझे अभी तक याद है आपका इंटरव्यू, काफ़ी बहस हुई थी आपकी और मेरी, ये बिल्कुल उसके उल्ट रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये दिमाग अपडेट कैसे हुआ आपका? ये देखे ना, उस दिन इशू था शादी वाला। अच्छा। है तो शादी की तो ख्वाहिश होनी भी हैगी है। अच्छा। अज जरा सोसाइटी का इशू है। हाँ, तो मर्द कैसे हीरो है यहाँ पर? ये सोसाइटी देखो ना, पाकिस्तान की तरीक तो थोड़ा जहा जा, इंटरव्यू लम्मा हो जाना वा। 1857 तो लग के ना अंग्रेजा तो 100 साल तो बाद 75 साल ये है। साडे ना जिन्ने हीरो आए ने ना उन्होंने वड़ा चढ़ा के मीडिया सोसाइटी हर शह, बक्कल सिंह, ये मोहम्मद अली जना और अलामा इकबाल है, इस तरीके हीरोइज़म साडे मर्द करता है। कोई औरत जड़ी हैगी है, कदे औरत दा किसे किताब च पढ़ाया भी एक औरत फातिमा जनाब कैद आजम की भैन सीगी, उन्हें सैक्रीफाइस करता, आपकी शादी नहीं कराई, ए वाला इशू उन्हें कदे आया? मैडम रियाना बेगम लियाकत अली खान दी, उन्दी की सी पाकिस्तान च? साडा मीडिया नूं चाहिदा औरत ने जिहड़े किरदार अदा किए ने ना वो भी हाईलाइट करन, जिहड़े असी रूरल एरिया च लोग बैठे हुए हैं सानूं पता लगे कि यार साडा सारा बंदे ही नहीं, सिर्फ औरतां भी ने। एक औरत पक्की कामयाब होवे तो वह बेगम रियाना लियाकत भी बन सकती है, फातिमा जनाह भी बन सकती है, तो माशाल्लाह जे नवाज शरीफ होवे तो मरियम नवाज भी बन सकती है। जबरदस्त, इसलिए ना हमें ना देन थोड़े खुले करके तो आज़ादी देनी चाहिए है। की होएगा देखो ना जी, की होएगा, ये सारा तुहाड़ा टॉपिक हैगा सैक्स ते, भी सैक्सुअल पावर ने उन्होंने कमज़ोर किया, एक इशू आ गया औरत च भी सी उन्हें, तो तुसी इंज करो ना थोड़ा जहा एजुकेशन का म्यार बनाओ, बीए तो बाद सैक्स की एजुकेशन ते तरबियत दो बच्चों नू, भी ये सैक्स जरा अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सिखाएं बच्चों। हाँ, ये तरबियत करें यूनि कम अज़ कम बीए लैवल तक तो कॉन्फिडेंस होवे ना कि एक औरत नू ते एक बंदे नू पता लग जाए भी सैक्स करन दा की तरीका, किवें असी किवें पढ़ना की है, जे असी पब्लिक प्लेस ते करांगे ते लित्तर पैणगे, साडी मूवी बन जाएगी, इस वास्ते ये शैवां नू क्लीयर करन। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या बोलूं, हालांकि मैंने तो इस वे में टॉपिक किया भी नहीं है। ये किता वा भी वो इशू बन गया और विचारियां दी लीक, ये सवाल भी नहीं थे जो आपने बोले। मेरे हिसाब च उन्हां विचारियां दी लीक करन वाला कोई बदतमीज इंसान सी जिन्हें ड्रोन ते किया है, उन्हां दोवां दा भावें 2 साल का फेर होवे भावें 4 साल का होवे है, वह बेचारे छुपा छुपी कर रहा सी, नहीं टाइम लगा।
आप वहाँ तालीम हासिल करने जा रहे हो, आप वहाँ ये हरकतें नहीं करने जा रहे। मैं इस वाक्य को कभी भी सही नहीं बोलूंगी क्योंकि ये गलत है। अच्छा तुम मीडिया वाले है जे ठीक है, मेरे ना इतने ज्यादती हो जाती कोई मसला बन जाता, तुहाडा काम हैगा वेखना विखाना हैगा ना। जिहड़ा जिहड़ा ड्रोन वाला वा ओनू पहले लब्बे चेयरमैन भी ये तेरी की लगती बाजी लगती है आप ही लगती है तू इस बेचारी की सारी सोसाइटी च आप एक एंगल सोच रहे हैं। ओ, उसका शक्ल नहीं नजर आ रही है, वो उसने उसने बुरखा पहना हुआ है, उसने बुरखा पहना हुआ है, वो सारी लड़की बुरखे वाली थी। चलो लड़की बुरके वाली सी, या एक एंगल ये भी हो सकता है कि बुरके वाली ने टारगेट किया हो यूनिवर्सिटी नु है भी मैं इशू बनानी हाँ। ये तो सोचने के कई इकदार ने पाकिस्तान बंदा सोचे तो किधर किधर की एंगल बन जाता है। इस वास्ते तुसी पॉजिटिव सोचो, चेयरमैन नु आखो भाई आपकी जड़ा है ना एजुकेशन में क्या दा, तू आर्मी चीफ है तेनू असी दिने 3 लाख रुपया या 4 लाख रुपया इन्ना इशू वास्ते ही दिने कि साडियां बच्चियां दी भी इज्जत महफूज रहे ते साडे बच्चियां बच्चियां दी भी इज्जत महफूज रहे। ये अगर सोचो ते जड़ा बंदा आपने जिस एजुकेशन का मुझे कहा है अगर ऐसी एजुकेशन पढ़ाई गई आप अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी भेजेंगे? देखो जी मेरी बच्ची बीए या एफए कर लेंदी है उन्हें समझ आती 18 साल बच्ची ना सलाम दे विच ना 18 साल बाद उन्दे कोल रजामंदी ना पुछना चाहिए। मेरी बच्ची MBBS नहीं करती, 936 इशू ने इलेक्ट्रॉनिक्स ये वो लेना देना डॉक्टरी इन सोसाइटी दियाँ फील्ड वो कहती मैं सैक्स ते करनी, जो उन्होंने सैक्स की अवेयरनैस आ जाए तो मेरी इज्जत महफूज हो ना जाएगी, होएगी कि नहीं होएगी कि नहीं। चले ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि जो घर से औरत निकली है ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एकेडमी जाती है सबसे पहले तो उसको ये चाहिए कि वह अपनी माँ बाप की इज्जत जा रही हूँ, यही बेटे यही को भी चाहिए। ये पहली बात तो ये है, बेटा मेरी बात सुने, जब दो हाथ से ताली बजती है एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। कह रही हूँ ना दो हाथ से बजती है तो बेटे को भी चाहिए। वो थोड़ा सा एग्री भाई ये होना चाहिए कि जब किसी को कोई वर्गला रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि भाई ये एजुकेशन है इसमें डिपार्टमेंट में हम पढ़ने आए ना कि अपने माँ बाप की इज्जत को यहाँ उछालने आए हैं। कम से कम ये देखें कि अभी उकाड़ा यूनिवर्सिटी में जो काम हुआ है वो किसी की बेटी थी, किसी का बेटा भी तो था, दोनों है ना, दोनों दोनों ने गलती की है, एक बंदे ने नहीं दोनों ने की, दोनों बंदों ने की है ना। मेरी बात सुने, बदनाम दोनों हुए लेकिन ख़राब इज्जत किसकी हुई? माँ बाप की। सही है, जलील कौन हुआ है? माँ बाप ने ये नेचर नहीं उनको दी कि उनको ये बात दी हो कि भाई अकाड़ा यूनिवर्सिटी में जाके आप ये काम करो या ये काम करो वो करो। माँ बाप तो यही चाहता कि मेरा माँ बाप को जो बच्चे हैं ना वो रोशन करें नाम माँ बाप का, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अच्छे एजुकेशन में जाएं और अच्छी डिग्री हासिल करें, ना कि ना ये भर के था वहाँ जाके ये करें। सबसे पहले तो एजुकेशन जो अकाड़ा का जो है भी है वो इंचार्ज है यूनिवर्सिटी का, उसको ये चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटी कंट्रोल, कोई घर चला रहा है ना सबसे बड़ी बात है उसको ये कहना चाहिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है, उसको ये होना चाहिए। कोई घर का सरबराह है ना उसको ये देखना चाहिए कि मेरे घर में क्या चीज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ना कि वो अंधाधुंध देख ले पैसे कमाने के लिए सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता। अगर मेरा घर है ना तो मैं अपने घर का सोचूंगा, उसने पैसा कमाने का सोचा उसने, अगर ना ये वीडियो फैली है, वीडियो नहीं फैलनी थी अगर उसकी उकाड़ा यूनिवर्सिटी का जो है ना वो जो उसका भी जो इंचार्ज है वो सही होता तो यूनिवर्सिटी के कहीं भी कुछ नहीं जाते। एक देख लेंगे कि उनको तो खैर निकाल भी दिया होगा यूनिवर्सिटी से, लेकिन बात यहाँ पर यह है अब एजुकेशन का सेक्टर कितना टारगेट होगा। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मौलवी हजरात कुछ हैं वो तो एजुकेशन के बिल्कुल ही खिलाफ हैं, अब वही लोग उठेंगे और एजुकेशन के खिलाफ वीडियोज़ बनाएंगे टारगेट करेंगे, इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए आपकी बड़ी बात का तो यह है कि अगर मैं बुरा हूँ ना तो मेरे कहने से आप बुरी नहीं हो सकती। अगर मैं आपको कह दूँ अगर जिन बातों ने उन्होंने यकीन करना ना वो बंदे के दिल के खुद की बात होती है। अब जो बंदा ख़राब करना चाह रहा ना एजुकेशन को वो तो या तो खुद ख़राब होगा दूसरों को ख़राब करने की तब सोचेगा एजुकेशन को तब वो डिपार्ट करेगा कि अगर जो खुद डिपार्ट होगा। आप वैसे पर्सनली चाहते हो एजुकेशन प्रमोट हो? जाहिर सी बात है हमारे पाकिस्तान का असूल ही ये है कि जब कोई भी नौजवान बच्चा बच्ची या पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अब गाँव देहात में आप चली जाए ना तो वहाँ पर माँ बाप जो है ना वो 8th क्लास से आगे बच्ची को जाने नहीं देते, वो पता क्या घर दे काम काज से कुड़िए गांव जाना तू ऐसे ही कहते घर जाके अपने 9 सास नु की जवाब देंगी कि माँ बाप ने कोई जवाब नहीं देता तेन कुछ नहीं सिखाया। अच्छा। लेकिन वो इस बातचीत को ये उनको देखना चाहिए कि भाई हमारी बच्ची है वो अपने कदमों पे खुद चले। कल को शौहर के हालात पाकिस्तान में जो है ना 99% है ना जो किसी के घर के हालात सही नहीं है। आजकल आप सोशल मीडिया पर वर्किंग पर देख लें कि जितने भी घर बचे हुए हैं ना उनके जितने भी किसी की बीवी शराब पीता है हस्बैंड
कोई चरस पीता है, बीवी को मारता है, निकालता है, ताकि घर से वो निकले। अगर घर से वो निकले तो अपने कदमों से निकले। तो फिर ऐसा ना ना हो, देखिए आप ये जो आप बता रहे हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस और शोहर ऐसे करता है, ये घर घर की कहानी है। फिर क्या होता है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, तो कितनी गलत बात है। वो यही बात है ना, जिसने बंदे ने देखे किसी की इज्जत लाया ना घर पे, सबसे बात तो ये देनी चाहिए कि मेरे घर में भी इज्जत है, मैं उसकी इज्जत को लाऊं अपनी इज्जत बना के, और मेरी इज्जत भी किसी की इज्जत है। जो इज्जतदार बंदा होगा वो तो ये बात सोचेगा नहीं, जो करप्ट बंदा होगा ना, इज्जत ना सोचने वाला, वो ये बात सोचेगा, वो उसको मारेगा पीटेगा चले जाओ। लेकिन कम से कम एजुकेशन में ये होना चाहिए कि जो लड़की है वो कम से कम पढ़ी लिखी हो, वो कल कहीं और भी जाके अपनी डिग्री दे, जाके अपने बच्चों का पेट पाल सके। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो मैंने इस वीडियो में गौर की, वो बच्ची ने पूरा अपने आप को लपेटा हुआ था, अबाहे में थी, बुरखे में थी, निकाब भी उसने प्रॉपरली किया हुआ था। एक सवाल हमेशा यहाँ उठाया जाता है और बहुत से लोग उठाते हैं, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, कि औरतें जो है वो दुपट्टा नहीं लेती इसलिए उनके साथ रेप हो जाते हैं, इसलिए वो मर्दों को वरगलाती हैं। तो यहाँ पर तो पूरी वो ढकी हुई थी, अब इसको कैसे आप कहेंगे? देखिए ना, अगर उसने बुरखा भी पहना हुआ है, उसके अंदर का जो हैवान है हम उसको नहीं मार सकते, इसको ज़रा जस्टिफाई करें। बात तो ये है ना कि कोई चीज़ है ना, हम जब हम रोटी आगे किसी के रखते हैं ना, तो रोटी क्या होती है जो है ना, वो ढक के हम रखते हैं, वो उसके अंदर हम बर्तन में रखे ना, ढक के रखते हैं। अब वो रोटी कैसी है टेस्ट करने से ही पता चलता है ना। अब वो जाहिर सी बात है वो पर्दे के अंदर थी, लेकिन उसकी हैवानात जो है ना वो नहीं समझ सके ना कोई भी। उसने बस जिस बंदे ने जज किया उसने बाहर से जज किया, उसने अंदर से जज नहीं किया कि उसके अंदर क्या है। उसने बुरा जो है ना वो बीज को कह दिया, मेरा मतलब ये है कि उसने बाहर को देख के बुरा अंदर को कह दिया, जबकि बुरा अंदर है, बाहर नहीं बुरा है। हजाब करने से, हजाब करने से ये देखे ना, हजाब करने से अगर वो कोई अच्छी रिफ्लेक्ट है, हमारे इस्लाम का ये दीन है हजाब करना, उसने हजाब को देख के बुरा कह दिया, उसके अंदर को नहीं देखा उसने। नहीं देखे, मेरी बात सुने। देखिए अब एक लड़की है, उसने हिजाब किया हुआ, वो प्रॉपरली अबाय में ढकी हुई है, ठीक है। हम बाहरी तौर पर कह रहे थे वाह वाह कितनी इस्लामिक है और कितनी नेक लड़की है, क्या पता वो कहाँ से आई हो, क्या पता वो क्या करती हो भाई। अब एक लड़की है जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई, आप देखे कहेंगे आए हाय ऐसा तो बुरा तो कोई होएगा ही नहीं, अब पता नहीं कितों कितों घूम के, वो चाहे तालीमी इदारे से आई हो। ये देखे ना, ये जो जजमेंट हम करते थे अब ये कहाँ जाएगी, मैं वो सवाल है। वो जाहिर सी बात है ये है कि वो सबसे पहले जब जाती है देखे ना, तो नौजवान लड़के कहेंगे इसको देखो यार ये बड़ी ठीक है, जो अबाये में जाती है उसकी आंखों की तारीफ होती है। दूसरी बात ये है यार, ये माँ पे ने इन्हें तमीज़ नहीं सिखाई, कितना लिबास पा के जा रही है, ठीक है। जब उसने अच्छी चीज़ पहन के एक जा रही है, उसके जो जिसने पहनी है सबसे पहली बेहतर वो जान सकता है। आप किसी पे सवाल करने वाले क्यों होते हैं? जब आप पाँच उंगली उठाते हो ना, तो एक आपकी तरफ भी है। सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी चाहिए। अब किसी को हजाब के अंदर आप देख के बोलोगे बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको ये पता कि अगर बाद में उठाओ तो ख्वाजा सराज ऐसा निकलता है, तो ये तो किसी को मत कहना कि देखे ना नकाब के अंदर क्या। आप नकाब को खूबसूरत कह देंगे, लेकिन नकाब के अंदर क्या आपको, तो ये तो नहीं पता। कल की नहीं किरदार की बात करी, किरदार तो सबसे बात ये है कि मेरी बात सुने, सबसे पहली बात तो ये है कि किरदार जो है ना वो किसी का ऐसे जाते हुए पहचाना नहीं जाता। गलत बात है कि किसी का जाते आप किरदार करें। जब आप किसी बंदे को जानते नहीं हो, किसी इंसान को जानते नहीं हो, मैं किसी के साथ बातचीत की नहीं हो, तो सबसे बड़ी बात है कि मैं उसको जान लूँ, उसके जाते ही जाके किरदार पे उंगली उठा लूँ। मेरा किरदार क्या है मुझे पता है। आप किसी के किरदार पे उंगली तब उठाओ जब आपको अपना किरदार अच्छा लगे। बुरा उसको वही कहता है जो खुद बुरा हो। अच्छा आदमी कभी दूसरी किसी को नहीं अच्छा कहता। आपने अच्छा पैगाम दिया है, थैंक यू सो मच। बात यह है कि जब मैं स्टार्ट से बात करूंगी, जब खान साहब की पिछले टेन्योर गुजरे ना 3.5 साल का, पिछले टेन्योर उन्होंने 3.5 साल का गुजारा, उन्होंने चारों आईजी साहब को बुलाया चारों सूबों के, और उन्होंने पूछा कि कौन सा क्राइम बढ़ रहा है। खान साहब ने ये पूछा कि कौन सा क्राइम बढ़ रहा है, तो सब आईजी यक जुबान होकर यही उन्होंने बोला कि ये सेक्स क्राइम हमारे यहाँ बहुत बढ़ रहा है, इस सेक्स क्राइम बढ़ रहा है, इसको कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है, और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में तो ये एक नॉर्मल समझा जाता है इस चीज़ को, और इस चीज़ को हम इजी ले लिया है इस वजह से, ये होता है और क्या। अच्छा, वैसे देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विमेन एजुकेशन को भी टारगेट किया जाता है, ठीक है,
काफ़ी यहाँ पर आपने मौलवी मुल्लाओं की अभी रिसेंटली एक वो वीडियो भी आई थी, अपनी तीनों स्कूलों हटा लो उत्थे डांस कर दी पई है, कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी हुई थी। तो अभी एजुकेशन को टारगेट करने का कितना मौका मिलेगा तमाम लोगों को? एजुकेशन टारगेट करने वालों को तो एक बात छोटी सी क्लू मिलना चाहिए, वो उस पर अभी कि कुछ होगा, बहुत कुछ होगा उस पर, अभी बहुत बातें बनेंगी और जो इस पर नेगेटिव सोच रखने वाले हैं वो इससे फ़ायदा उठाएंगे और क्या। यानी विमेन एजुकेशन और टारगेट हो, क्या इसके साथ जो मेंस एजुकेशन है उसको भी टारगेट किया जाएगा या नहीं? मेरी बात सुने, हमारे दीन में भी है कि औरत और मर्द बराबर हैं, सही है। हाँ। लेकिन ये जो छोटे लोग सोच है ना, ये लोगों की खुद की सोच है, हमारे हजूर पाक ने भी यही बोला कि औरत मर्द बराबर है। अच्छा। सही है, अब आए में आप जॉब पे भी जा सकते हो, हर काम कर सकते हो, लेकिन इधर हमारे यहाँ टारगेट इसलिए किया जाता है, नेगेटिव लेते हैं ना, नेगेटिव अच्छा। बात को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, नेगेटिविटी ज़्यादा प्रमोट करें अभी, नेगेटिविटी मिर्च मसाला लगा के आप कह रहे हैं। हाँ, मिर्च मसाले वाली खबर तो हर बंदा देखना चाहेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक इशू हमेशा यहाँ पर रेज किया गया है कि अगर लड़की के साथ रेप हुआ है, उसने दुपट्टा नहीं सही से लिया होगा, उसने कपड़े नहीं सही से पहने होंगे। अब ये लड़की पूरे अबाये में थी, नकाब किया हुआ था इसने, अब इसके बारे में क्या कहते हो आप? हाँ, इस ये बात ये है कि ये दुनिया हमारी ये जो मुआशरा है ना, ये आँखें नहीं है, ये स्कैन मशीनें हैं। अबाये में तो ये वो स्कैन कर लेते हैं। हाँ, ये स्कैन करते हैं पूरा, ये स्कैन मशीनें हैं, मैं गर्ज कर रही हूँ, ये इन लोगों से तो बचना। बाकी बात यह है कि इस बात को ना अभी रोका नहीं जा सकता, जो रिस्पॉन्सिबल है ना इदारे के, आपने एक इदारे की बात की है ना, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में ये हरकत हो रही हैं, हर जगह ही हो रही हैं, ऑफिस में हो रही हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी हरासमेंट, ये इन्वॉल्व है ना सारे, तो इसमें क्या कुछ कर सकता। बसों में देख ले, किसी ऑफिस में देख ले, हर जगह यही बात है। थैंक यू सो मच।